कंचन परी की माँ रानी परी के महल में नौकरानी का काम करती थी। गरीब होने की वजह से कंचन परी को छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता था। फिर एक दिन कंचन परी के कॉलेज में पढ़ने वाली निकिता नाम की परी अपनी जन्मदिन की बहुत बड़ी दावत देती है। दूसरी परियों के साथ कंचन परी भी दावत में शामिल हो जाती है। निकिता परी ने एक बहुत ही कीमती नेकलेस पहना हुआ था। सभी परियां उसके नेकलेस को देखकर उसकी तारीफ करने लगती हैं। निकिता, तेरा नेकलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नेकलेस तो पूरे परिदेश में किसी के पास नहीं होगा। हाँ, तूने सही कहा। ये नेकलेस मेरे मामा जी ने मेरे लिए खास तौर पर खरीदा है। इसकी कीमत जानकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। तभी कंचन परी निकिता के पास जाकर उसके नेकलेस को निहारने लगती है। ये देख निकिता परी को बहुत गुस्सा आता है। क्यों री कंचन, तू मेरे नेकलेस को इस तरह घूर कर क्यों देख रही है? तू इसे नजर लगाना चाहती है क्या? चल जा यहाँ से। इतना कहकर निकिता परी कंचन को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। निकिता, तू ऐसी दो कौड़ी की परी को अपनी पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। कंचन को देखते ही मेरा खून खौल उठता है। सुन रही कंचन, चल इसी वक्त यहाँ से निकल जा, वरना मैं अपनी सैंडल से मार मार के तेरा चेहरा काला कर दूंगी। फिर बेचारी कंचन परी दुखी होकर अपने घर चली जाती है। फिर कुछ महीने बाद कंचन परी का जन्मदिन आ जाता है। कंचन परी के लिए उसका जन्मदिन होना या ना होना एक ही बराबर था। वो हमेशा की तरह अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर घर के आंगन में बैठी थी। तभी वहाँ रानी परी की बेटी कविता परी आ जाती है। कंचन, तुम्हारी माँ ने बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। इतना कहकर कविता परी कंचन के हाथ में एक सुंदर सी ड्रेस रख देती है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। क्या सच में तुम ये मेरे लिए लेकर आई हो? मैंने इतनी कीमती ड्रेस तो आज तक नहीं पहनी। यही नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी माँ का जादुई हार भी लेकर आई हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, ये मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए दे रही हूँ। रात को तुम ये मुझे वापस लौटा देना। अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। इतना कहकर कविता परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कंचन परी सुंदर ड्रेस और उस जादुई हार को पहनकर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। कंचन परी की खूबसूरती देख सभी परियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर सभी परियां कंचन परी की जादुई नेकलेस की तारीफ करने लगती हैं। ये सब देख निकिता परी को बहुत जलन होती है। अरे, इस भिकारन परी के पास इतना कीमती नेकलेस कहां से आ गया? सारी परियां इसी की तारीफ में लगी हैं। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कंचन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब कंचन परी अपने घर की ओर लौटने लगती है, तभी निकिता परी अपने चेहरे पर नकाब लगाकर कंचन परी पर हमला कर देती है और उसके गले से वो जादुई हार छीनकर वहां से भाग निकलती है। चोर चोर, अरे पकड़ो, वो मेरा नेकलेस लेकर भाग रहा है, कोई तो उसे पकड़ लो। कंचन परी निकिता का पीछा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकिता अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से बच निकलती है। अब मैं क्या करूं? मुझे आज रात ही रानी परी की बेटी को वो नेकलेस लौटाना था। रानी परी को नेकलेस के बारे में पता चलते ही वो मुझे जान से मार देंगी। इस तरह दुखी होकर कंचन परी रोने लगती है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक छोटा बौना बाहर निकलकर कंचन परी के सामने आ जाता है। अपने आंसू पोंछ लो परी, मैं सबकी मदद करने वाला जादुई बौना हूँ। मैं अभी उस चोर को पकड़कर तुम्हारे जादुई नेकलेस वापस दिलवा दूंगा। उसके बाद बौना अपनी दिव्य दृष्टि से निकिता परी का पता लगा लेता है और हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके घर पहुंच जाता है। उसके बाद बौना निकिता के
सर पर बड़े बड़े आग के गोले गिराने लगता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। तूने उस मासूम परी से उसका जादुई नेकलेस छीनकर अच्छा नहीं किया। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो सीधी तरह उसका नेकलेस वापस कर दे। बॉनी की धमकी सुनकर निकिता परी घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, ये लो ये रहा नेकलेस। इतना कहकर निकिता परी बॉनी के हाथ में जादुई नेकलेस रख देती है। उसके बाद बोना सजा के तौर पर 1 महीने के लिए उसकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। फिर वो बोना जादुई नेकलेस लेकर कंचन परी को दे देता है। इस तरह कंचन परी की जान में जान आ जाती है और वो महल जाकर रानी परी की बेटी को जादुई नेकलेस लौटा देती है। दूसरी तरफ वो जादुई बोना कंचन को इच्छा पूर्ति करने वाला एक छोटा मटका दे देता है। उस जादुई मटके की मदद से कुछ ही महीनों में कंचन परी की गरीबी दूर हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है। किसी जंगल में एक जादुई अंजीर से बना हुआ घर मौजूद था। उस घर में 5 खूबसूरत बहनें रहती थी। फिर एक दिन उनके घर के बगल वाली नदी में पास के गांव से कुछ गरीब लड़के और लड़कियां मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक नदी में एक बड़ा मगरमच्छ बाहर निकल आता है और उसे देख सभी लड़के लड़कियां घबराकर नदी से बाहर निकल आते हैं। हम बड़ी मुश्किल से उम्मीद लेकर आए थे कि इस नदी में मछली पकड़ेंगे, लेकिन इस मगरमच्छ की वजह से हम एक भी मछली नहीं पकड़ सकते। लगता है आज भी हमें और हमारे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। काश हमारे गांव में अकाल न पड़ा होता तो आज हमें इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। पता नहीं हमारे जीवन के दुखों का अंत कब होगा। फिर वो सभी दुखी होकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी राधिका की 5 बेटियां उन सभी को देख लेती हैं। उनके उदास चेहरे और उनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े देख पांचों बहनों को उन पर तरस आ जाता है। लगता है ये लोग बहुत गरीब हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, चलो चलकर इनसे बात करते हैं। फिर पांचों बहनें उन गरीब लड़के लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। सुनो, तुम सबको क्या परेशानी है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस साल हमारे गांव में फसल नहीं हुई जिस वजह से हम सभी गरीबी के मारे झेल रहे हैं। हमें रोज भूखा रहना पड़ता है। दूसरी तरफ भूख की वजह से हमारे गांव के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। दीदी चलो अपने घर की जादुई शक्ति से इन लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद वो पांचों बहनें उन लड़के लड़कियों को साथ लेकर अपने जादुई अंजीर के घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बहन घर के दीवार पर टंगी जादुई छड़ी उठाकर उसे घुमाने लगती है और अगले ही पल वो घर हवा में उड़ता हुआ उन लड़के लड़कियों के गांव में पहुंच जाता है। उसके बाद उस जादुई अंजीर के घर के अंदर से ढेर सारा अनाज गांव के ऊपर बरसने लगता है। देखते ही देखते पूरे गांव की गलियां अनाज से भर जाती हैं। ये देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उन पांचों बहनों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद वो पांचों अपने जादुई अंजीर घर को लेकर वापस जंगल में लौट जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन परी देश की एक दुष्ट परी उस जंगल की सैर करते हुए जादुई अंजीर के घर को देख लेती है। वो परी बहुत बेरहम थी, उसे इंसानों को मार कर खाना बहुत पसंद था। उन पांचों बहनों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उन्हें मार के खाने का फैसला करती है। फिर रात होते ही परी खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उन पांचों बहनों को रस्सियों से बांध देती है।
अब इन बहनों को अपने घर ले जाऊंगी और कल इन्हें मार कर मजे से इनको मांस खाऊंगी। लेकिन तभी उन पांचों बहनों की नींद खुल जाती है। अरे कौन हो तुम और तुमने हमें इस तरह क्यों बांध रखा है? मुझे इंसानों को मार कर उनका मांस खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम पांचों को अपने घर ले जा रही हूँ। चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं इसी वक्त तुम पांचों की जान ले लूंगी। अरे मूर्ख परी, तूने इस घर में दाखिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद तुझे पता नहीं हमारा ये घर पूरी तरह जादुई शक्तियों से भरा पड़ा है। अब तू तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगी। फिर अगले ही पल दीवार पर टंगी तलवार हवा में उड़ती हुई उन पांचों बहनों के शरीर में बंधी रस्सी काट देती है। उसके बाद घर की छत के ऊपर से ढेर सारे सैंडल परी के सर पर गिरने लगते हैं। अरे बस करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई इन सैंडलों को रोको। तभी छत के ऊपर से गरम तेल की कढ़ाई परी के ऊपर जा गिरती है, जिससे परी का पूरा शरीर जल जाता है। हाय मर गई रे, इस घर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कोई मुझे बचाओ। तुझे बहुत जलन हो रही है ना, ठहर जा अभी तेरी जलन शांत करती हूँ। फिर बड़ी बहन के इशारे पर एक बर्फ से भरी बाल्टी परी के ऊपर गिरती है। देखते ही देखते परी का शरीर बर्फ के रूप में जम जाता है। उसके बाद वो पांचों बहनें बर्फ बनी हुई परी को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। फिर वो परी नदी में बहती हुई वहां से बहुत दूर चली जाती है। फिर किसी तरह वो परी नदी से बाहर निकलकर वापस अपने परी देश भाग जाती है। उस दिन के बाद से उस दुष्ट परी के अक्कल ठिकाने आ जाती है और वो दोबारा पृथ्वी पर जाने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पांचों बहनें फिर से हंसी खुशी अपने अंजीर से बने हुए घर में रहने लगती हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में सरिता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सरिता गांव के जमींदार के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। जमींदार की पत्नी गायत्री एक नेक औरत थी, वो सरिता के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती थी। लेकिन दूसरी तरफ गायत्री की बेटी निकिता एक नकचड़ी और घमंडी लड़की थी। वो अभी अभी शहर से पढ़ाई करके गांव लौटी थी। उसे गरीबों से सख्त नफरत थी और वो हमेशा गरीबों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आती थी। फिर एक दिन गायत्री अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। गायत्री के जाने से निकिता को खुली छूट मिल जाती है और वो सरिता पर जरूरत से ज्यादा हुक्म चलाने लगती है। छोटी मालकिन, आज दिवाली का त्योहार है, इसीलिए मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। घर जाकर मुझे लक्ष्मी माता की पूजा करना है। नहीं नहीं, मैं तुझे छुट्टी नहीं देने वाली। आज शहर से मेरी सहेलियां यहाँ पार्टी करने आ रही हैं। खाना बनाने के साथ साथ पार्टी का सारा इंतजाम भी तुझे करना पड़ेगा, समझ गई ना? लेकिन छोटी मालकिन, आज दिवाली का त्योहार है, आज के दिन तो सब लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और आप हैं के घर में पार्टी मनाने की बात कर रही हो। आप जैसी लड़की को आज के दिन पार्टी मनाना शोभा नहीं देता। मेरी मानिए, आप भी लक्ष्मी माता की पूजा करिए और गरीब लोगों में मिठाई बांटिए, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सरिता की बातें सुनकर निकिता गुस्से से भड़क उठती है। तू दो कौड़ी की नौकरानी, मुझे नसीहत देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीधी तरह अपना काम कर वरना मैं तुझे धक्के मारकर काम से निकाल दूंगी और तेरी तनख्वाह भी नहीं दूंगी, समझ गई ना? इतना कहकर निकिता अपने कमरे में चली जाती है। गरीबी से मजबूर सरिता चुपचाप घर के काम में व्यस्त हो जाती है और थोड़ी देर में निकिता की सहेलियां वहां आ जाती हैं। सुन सरिता, मेरी सभी सहेलियां आ गई है, तू रसोई घर में जाकर इनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना कर ला। ये सुनकर सरिता रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ निकिता की सभी सहेलियां शराब पीते हुए फिल्में गानों पर डांस करने लगती हैं।
ये सब देख सरिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कह पाती। थोड़ी ही देर में निकिता और उसकी सहेलियां नशे में चूर हो जाती हैं। दूसरी तरफ घर का सारा काम खत्म होने के बाद सरिता लक्ष्मी माता की एक छोटी सी मूर्ति छत पर ले जाती है और पूजा करने लगती है। लेकिन तभी अचानक निकिता अपनी सहेलियों के साथ वहां आ जाती है। क्यों रे सरिता की बच्ची, तू यहां क्या कर रही है? हमारी शराब खत्म हो गई है, चल जल्दी से गांव की दुकान से शराब लेकर आ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आज के दिन मुझसे ये पाप मत करवाइए। ये देखिए, मैं लक्ष्मी माता की पूजा कर रही हूँ, कम से कम मेरी पूजा अच्छी से होने दीजिए। तभी निकिता की एक सहेली कहती है, अरे निकिता, तेरी नौकरानी तो बहुत ही पूजा पाठ वाली है, साथ ही इसके नखरे भी बहुत हैं। तू इसकी मालकिन है, फिर भी ये तेरी बात नहीं मान रही। ये सुनकर निकिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। आज मैं इस सरिता की अक्ल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। उसके बाद निकिता अपनी सैंडल उतारकर सरिता की पिटाई करने लगती है। क्यों री, आखिर तू अपने आप को क्या समझती है? मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोटी मालकिन, मुझे आप क्यों मार रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन निकिता सरिता की नहीं सुनती है और इसकी खूब पिटाई करती है। तुझे लक्ष्मी माता की पूजा करने का बहुत शौक है ना, ठहर जा, अभी बताती हूँ, तेरी पूजा करती हूँ मैं। इतना कहकर निकिता लक्ष्मी माता की मूर्ति उठाकर अपने बगल में रख देती है। ये देख निकिता की सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। शाबाश निकिता, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है, तेरी नौकरानी दोबारे तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी अब। लेकिन निकिता सरिता की चोटी पकड़ लेती है। चल सीधी तरह गांव की दुकान से हमारे लिए शराब लेकर आ, वरना मैं तुझे उठाकर छत से नीचे फेंक दूंगी। लेकिन तभी अचानक लक्ष्मी माता की मूर्ति से एक तेज रोशनी आती है और विशाल रूप धारण कर लेती है। अचानक अपने सामने लक्ष्मी माँ का विशाल रूप देख निकिता और उसकी सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम सभी बेरहम और दुष्ट हो, तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम सभी ने इस मासूम लड़की पर अत्याचार करके ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगी। उसके बाद लक्ष्मी माता अपनी शक्ति से निकिता और उसकी सहेलियों के बाल गायब करके उन्हें पूरी तरह गंजी बना देती हैं। अब तुम सभी जिंदगी भर इसी तरह बिना बालों के रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। अगर आज के बाद तुमने कभी किसी मासूम को परेशान किया तो मैं वापस आकर तुम्हें और कड़ी सजा दूंगी। उसके बाद लक्ष्मी माता सरिता के सामने सोने के सिक्कों से भरा एक मटका प्रकट करके वहां से अदृश्य हो जाती है। इस तरह निकिता और उसकी सहेलियों को सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने से सरिता अमीर बन जाती है। उसके बाद सरिता लक्ष्मी माता का एक सुंदर सा मंदिर बनवाकर वहां रोज गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सरिता एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, कामवाली की लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी निजी स्वार्थ के लिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को एक ना एक दिन उनके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल फेरी टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।